ये सियासी भूचाल कहां कहां पहुंच रहा है इसका अंदाजा आपको इस बड़ी खबर से लगेगा जो अब हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि एनएसए अजीत डोवाल से आईबी चीफ ने मुलाकात की है। क्या ये मुलाकात किसी भी तरीके से सीबीआई विवाद से जुड़ा हुआ है? बहरहाल जो अभी तक जानकारी है वो यही है कि कल आईबी के चार लोगों को पकड़ा गया था। कहां से? आलोक वर्मा के घर के बाहर से जासूसी के आरोप में। बाद में उनके पास से आईडी कार्ड निकला आईबी का। दिल्ली पुलिस ने बाद में इन चारों अधिकारियों को तो छोड़ दिया था, लेकिन सीबीआई विवाद में सुनवाई अब शुरू हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की, सीबीआई विवाद में सुनवाई शुरू हो चुकी है देश की सर्वोच्च अदालत में। 41 नंबर पर आज इसकी हियरिंग के लिए नंबर रखा गया था और अब वो सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में एक एक करके बातें देखिए। तीन महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तो आलोक वर्मा खुद कोर्ट में गए हैं और उन्होंने याचिका दायर करके कहा है कि मुझे विक्टिमाइज किया गया है, क्योंकि कुछ जांच की दिशा ऐसे बढ़ रही थी जो सरकार में उच्च पद पर बैठे लोगों के खिलाफ थी, इसीलिए मुझे छुट्टी पर भेजा जाना गलत है, ये गैर कानूनी है। इस पर कोर्ट का क्या रुख होता है महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ जो नए सीबीआई के डायरेक्टर, एक्टिंग डायरेक्टर नागेश्वर राव स्थापित किए गए हैं, उनको लेकर भी प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर की है। लेकिन अभी आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट की तरफ से आई हुई कोई भी टिप्पणी सरकार के लिए इधर से उधर की परिस्थिति बना सकती है। पवन खेड़ा जी, बात पूरी कीजिए। तो ये 96-97 का इतिहास बताना शुरू किया मेरे मित्र अमिताभ जी ने। 98 में उसी के चलते विनीत नारायण सुप्रीम कोर्ट गए और उसका बड़ा स्पष्ट निर्देश हुए, ये नया आप तरीका निकाल दो कि नहीं नहीं ये तो छुट्टी पर भेजे गए। सीसीएस के रूल्स होते हैं अंजना जी, सीसीएस के रूल्स में सीबीआई डायरेक्टर को सीवीसी, जो कि एक मॉनिटरिंग सुपरवाइजिंग एजेंसी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, उसमें बड़ा स्पष्ट अंतर है। मैं भी कानून समझता हूं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द सिलेक्शन कमिटी, सुपरवाइजिंग अथॉरिटी इज द सीवीसी। आप मुझे बताइए, क्या सीवीसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी का स्थान ले सकती है? नहीं ले सकती। तो ये क्या नया तरीका निकाला कि लंबी छुट्टी पर भेज दिए साहब? सीसीएस के रूल्स के तहत सीबीआई डायरेक्टर को आप छुट्टी पर नहीं भेज सकते जबरन। आधी रात को 2 बजे हरियाणा के आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग ले आते हैं एसआईबी के। अरे क्या मजाक बना रखा है, एक एक संस्था का आपने छिछालेदर कर दी है और नेहरू जी से शुरू हो जाते हैं। अरे साहब, अपने 4-4.5 साल में आपने जो हालत कर दी उसका तो जवाब अब देश मांगेगा आपसे। कहते हैं सियासी बना दिया। अरे सियासी क्यों ना बनाए, हम सियासी पार्टी हैं, ऐसे मुद्दों पर अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमें कौन माफ करेगा? इस जनता कोई नहीं माफ करेगा कि ऐसे वक्त पे आप नहीं बोले। आरबीआई के साथ आपने खिलवाड़ किया, हम तब आरबीआई के खिलाफ धरने पर बैठे थे। आपने तमाम ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आरबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई एक छोड़िए, सीवीसी रॉ। अमिताभ जी से एक प्रतिक्रिया इस पर लेने दीजिए, क्योंकि जिस विनीत नारायण केस को आप कह रहे हैं वही फाली नारिमन ने भी आलोक वर्मा की तरफ से कोर्ट किया है और वो अपनी दलीलें फाली नारिमन आलोक वर्मा की तरफ से रख रहे हैं। अमिताभ जी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन देखिए। कमिटी ही अपॉइंट करे, कमिटी ही हटाए, कमिटी ही एक्टिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट करे, ये तो मतलब वो नैतिकता का सवाल है जो कि हमेशा आप भी उठाते रहे हैं कि एक व्यक्ति या एक सरकार अपने पक्ष में सिर्फ फैसले ना ले। कहां ठहर पाइएगा इस पर? अंजना जी मुझे एक मिनट का निर्वाध समय दीजिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कानून अपनी जगह पे है और उसका पालन सुप्रीम कोर्ट करने के लिए सक्षम है। आर्टिकल 311 जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो कहता है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही किसी तरह का एक्शन ले सकता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर इज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिकमेंडेशन करना किसी भी, यदि कोई सिलेक्शन प्रोसेस को जो लोग फॉलो करते हैं वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं होते, कॉमन सेंस की बात है। जैसे यूपीएससी यदि किसी को रिकमेंड करता है नाम आईएएस आईपीएस को, तो वही उसको उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं होता। अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ऑफ, जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। लेकिन मैं यहां बात ये कर रहा हूं कि दंडात्मक कार्यवाही अभी नहीं हुई है। इन लोगों ने जो सीबीआई के लिए अलग कानून माफ नहीं करेगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको ना न्याय, ना न्याय, तुमको सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा है, ना किसी भी संवैधानिक संस्था पे भरोसा है। आप लोग संवैधानिक संस्थाओं को डिमोलिश करने में मजा ले रहे हैं। यही से चर्चा, यही से सर, आप दोनों को बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर ये चर्चा इस वक्त है, इसी बहस को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि 10 दिनों के अंदर, 10 दिन में पूरी करे जांच सीवीसी, और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। देखिए
ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि आलोक वर्मा की ये याचिका थी कि उनको वापस पद पर बिठाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा है वकीलों से सवाल पूछने के बाद कि सीवीसी को 10 दिनों के अंदर 10 दिन टाइमलाइन सेट 10 दिन के अंदर जांच पूरी कीजिए और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच होगी। यानी जांच को लेकर जो आशंकाएं पैदा की जा रही थी, जो कि खुद आलोक वर्मा ने भी अपनी याचिका में रखी थी सामने, उन आशंकाओं को दरकिनार करने के लिए या उसको एड्रेस करने के लिए कह दीजिए, चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यह कहा है कि सीवीसी जिन्होंने पद से डाइवेस्ट किया था, अंग्रेजी में इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया था उस ऑर्डर में, वो जांच अगर करनी है 10 दिन के अंदर पूरी करें और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच की जाएगी। सीवीसी के वकील ने कोर्ट से वक्त मांगा है। देखिए अब आगे दलील कैसे बढ़ती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है एक तरह से इस पूरे मामले में। पूजा शैली हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रही है। पूजा, जानकारी दीजिए, क्या कहा है जस्टिस रंजन गोगोई ने? जी अंजना, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देखिए फली नारिमन जो आलोक वर्मा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जब एक कमेटी बनाई गई थी किस मुद्दे पे किस हिसाब से उनको हटाया गया, तो रंजन गोगोई जो सीजीआई, उन्होंने बहुत साफ साफ तौर पे कह दिया है कि विजिलेंस कमीशन जिन्होंने ये सजेशन दिया था कि इनको हटाया जाए, वही अब इंक्वायरी बिठाएंगे 10 दिन की। लेकिन देखिए यहाँ पे अपडेट आ रहा है कि सोलिसिटर जनरल जो विजिलेंस कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे तुषार मेहता, उनका कहना है कि 10 दिन काफी नहीं है, 3 हफ्ते चाहिए उनको। उन्होंने सीजीआई से रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपको रोक रही हूँ पूजा आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नागेश्वर राव कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे, वही एक्टिंग डायरेक्टर होंगे सीबीआई के, लेकिन वो कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं, रूटीन का कामकाज ही देखेंगे, ऐसा भी साफ साफ कहा है। यानी दूसरी आशंका क्या थी, एक्टिंग डायरेक्टर को भी जिस तरह से अपॉइंट किया गया है सरकार का हस्तक्षेप उसमें बताते हुए प्रशांत भूषण चाह रहे थे कि इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि नागेश्वर राव बतौर एक्टिंग डायरेक्टर सीबीआई सिर्फ रूटीन का कामकाज देखेंगे, कोई भी नीतिगत फैसला वो एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर चीफ के रूप में नहीं ले पाएंगे। तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ साफ दोनों मुद्दों पर अपनी बात कही है। एक तरफ आलोक वर्मा के मामले में कहा है कि वो 10 दिन के अंदर जांच को पूरी करे सीवीसी, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी का ये अर्थ है कि फिर आप जांच पर सवाल नहीं खड़े कर पाएंगे। दूसरी तरफ नागेश्वर राव जिन्हें एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया था, उनको लेकर भी कई लोगों ने अपनी याचिका दायर की थी, उस पर कहा गया है नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। अब मुकुल रोहतगी के मामले में, उन्होंने राकेश अस्थाना के मामले में मुकुल रोहतगी को क्या कहा है इस पर भी नजर होगी, लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो यही है कि आलोक वर्मा के मामले में सीवीसी 10 दिन के अंदर जांच पूरी करे। ये नागेश्वर राव की आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए इन्हें ही एक्टिंग सीबीआई हेड बनाया गया है और इनके मद्देनजर सीवीसी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ कहा है कि वो एक्टिंग डायरेक्टर हैं, रूटीन का कामकाज देखेंगे, कोई भी नीतिगत फैसला वो इस कार्यकाल में नहीं लेंगे एज एक्टिंग डायरेक्टर। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है, बहुत महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और इस नोटिस के जरिए उन्होंने क्या कुछ कहा है यह भी हम आपको बता रहे हैं। 10 दिन में वो जांच पूरी करे सीवीसी और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ही ये जांच होगी, यानी एक निष्पक्ष जांच हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च माना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रमाकांत गौर, क्या मैं सही कह रही हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहने की कोशिश की है, तुषार मेहता ने 3 हफ्ते का वक्त मांगा था लेकिन उसको नहीं दिया। संविधान की रक्षा के लिए आखिर में संविधान के रक्षक को अपना अस्त्र और शस्त्र उठाने पड़े। उन्होंने संविधान के एक संवैधानिक बॉडी सीबीआई की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह ना उठे, इसलिए सीवीसी को निर्देश दिया कि आप अपनी जांच 10 दिन में पूरी करें, जिसमें आप ये डिसाइड करें कि प्राइम ऑफ एसआई किसके खिलाफ ऑफेंस बनता है या नहीं बनता, और ये जांच आप करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर में, एक सुप्रीम कोर्ट जज के सुपरविजन में। तो अब ये सीवीसी उसमें बहुत ज्यादा गवाहों और गवाही के साथ छेड़छाड़ करने का जो आरोप लग सकता था वो
उसकी संभावना को दरकिनार कर दिया। हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं नागेश्वर राव, सिर्फ रूटीन का कामकाज देखेंगे। नागेश्वर राव की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक्टिंग सीबीआई के तौर पर कभी भी कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। पूजा शैली बनी हुई है क्या हमारे साथ? जी अंजना, अंजना देखिए ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि नागेश्वर राव जो आए थे, जैसे ही उन्होंने अपना पद लिया, आते ही नागेश्वर राव ने काफी ट्रांसफर ऑर्डर्स दे दिए थे। 8 से 10 जो ऑफिसर्स थे जो राकेश अस्थाना के अगेंस्ट केस देख रहे थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। शायद वो पावर अब उनके पास नहीं रहेगी। आप रूटीन मैटर देखिए, अभी तक जो चलता आ रहा था अब वही करेंगे। ये बहुत बड़ा मेंशन है सीजेआई की तरफ से, कोई पावर ऐसी नागेश्वर राव को नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये भी यहाँ कहना जरूरी है। कोर्ट ने वक्त बढ़ा दिया है, कोर्ट ने वक्त बढ़ा दिया है, कोर्ट ने जांच के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है और जो वक्त है उसको बढ़ा दिया गया है। जस्टिस पटनायक की निगरानी में ये जांच होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज का भी नाम का ऐलान हो गया है। जस्टिस पटनायक की निगरानी में ये जांच होगी, 2 हफ्ते का वक्त दिया है। बंद लिफाफे में फैसला सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए ये कहा गया है और जस्टिस पटनायक की निगरानी में ये जांच की जाएगी, ये भी कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। महत्वपूर्ण है, देखिए ये जो आलोक वर्मा का मामला था जिस याचिका की सुनवाई हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार को भी साफ साफ कटघरे में खड़ा करते हुए और खास तौर पर एक्टिंग सीबीआई चीफ के रूप में नागेश्वर राव को ये जो इधर उधर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, बंद कीजिए, नीतिगत फैसले आप नहीं लेंगे, आप सिर्फ रूटीन का कामकाज देखिए, ये सख्त हिदायत दे दी गई है एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर नागेश्वर राव को। दूसरी तरफ कोर्ट ने जांच के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है सीवीसी को और जस्टिस पटनायक की निगरानी में ये जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है जिसमें साफ कहा है 3 हफ्ते का वक्त जरूर मांगा गया था लेकिन 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है सर्वोच्च अदालत ने। और सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ ये भी कहा है कि जस्टिस पटनायक की निगरानी में ये जांच होगी। दूसरी तरफ सख्त हिदायत एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर नागेश्वर राव को, ये जो लगातार एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में इधर उधर अफसरों को किया जा रहा था वो सब नहीं होना चाहिए। रूटीन का कामकाज देखिए, आप सिर्फ रूटीन का कामकाज देखेंगे, कोई भी नीतिगत फैसला आप नहीं लेंगे। कुल मिलाकर अभी ये साफ कहा जा सकता है कि एक तरफ एक निष्पक्ष जांच हो इसके लिए सर्वोच्च अदालत ने अपनी बात कही, दूसरी तरफ एक्टिंग डायरेक्टर कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया ना अपनाए ये भी इंश्योर किया गया। पूजा शैली, जी देखिए जज ए के पटनायक को बहुत साफ साफ ही कह दिया गया है कि दो आप सुपरवाइज करेंगे, 2 हफ्ते का आपको टाइम दिया। देखिए जरूरी है क्योंकि एसजी तुषार मेहता ने कहा था हमें 3 हफ्ते चाहिए, कोर्ट ने पहले कहा था 10 दिन, तो बीच में ये सीवीसी का जो इंक्वायरी है मिलेगा। लेकिन इंक्वायरी का मतलब क्या है ये भी समझ ले, इंक्वायरी का मतलब कोर्ट का कहना है कि आप ये बनाए कि कोई केस बनता भी है या नहीं। सीबीआई डायरेक्टर के हिसाब से क्या कोई केस माना जाए राकेश अस्थाना के खिलाफ, राकेश अस्थाना ने भी प्ली डाली है, तो क्या प्राइमा फेसी जो अभी हमारे पास एविडेंस है, जो कंप्लेंट्स आई हैं, शिकायतें आई हैं, क्या उसके बेसिस पे विजिलेंस कमिशन किस तरह का केस मान सकती है, उस पे जो है ये इंक्वायरी मानी जाएगी। 2 हफ्ते लंबा वक्त भी है, देखते हैं क्या सीबीसी किस तरह से दिखाती है। ठीक है, आलोक वर्मा के इस केस के बारे में रामाकांत गौड़ साहब आप बता रहे हैं, ये जो 2 हफ्ते का वक्त दिया है बंद लिफाफे की बात है, ये कैसे समझे? देखिए इसका एक बहुत सीधा सा मैं एक दृष्टिकोण जो मैं रखना चाह रहा हूं वह ये है कि आलोक वर्मा ने यह कहा कि मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जांच कर रहा था, सरकार की शायद अनुमति ले सकता था या नहीं ले सकता था, इस विषय में सरकार का हस्तक्षेप हो सकता था, ये एलिगेशन आलोक वर्मा ने अपनी पिटीशन में लगाए। ये इतने सेंसिटिव एलिगेशंस थे कि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था, देखना पड़ा या देखना होगा कि क्या उनमें कोई तथ्य है। जैसे बहुत सारे मसले हैं जो बहुत शायद उस ओपन कोर्ट में पब्लिक के सामने नहीं लाए जा सकते, तो सुप्रीम एक सुप्रीम कोर्ट जज को या प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट जज को सुपरवाइजिंग पावर देके कोर्ट ने ये कहा कि उन सब मामलों को आप सुनिए, देखिए और उनकी क्या उनमें क्या कितना एक तथ्य है उनको एनालाइज कीजिए। क्या ये इंटरप्रिटेशन सही होगा, एक सेकंड सर, कि जस्टिस पटनायक की निगरानी में वो जांच होगी
जो सीवीसी करेंगे वो ये तय करने के लिए कि प्रामा फसाई कोई केस बनता भी है या नहीं आलोक वर्मा के खिलाफ। सही बोल रही हूँ मैं? देखिए, आलोक वर्मा का जो क्लेम है वो बनता भी है या नहीं बनता, ठीक है, ये बात जस्टिस पटनायक की कमेटी। आलोक वर्मा ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, महत्वपूर्ण केसेस का जिक्र किया और कहा कि कई केसों में कुछ जांच सरकार के खिलाफ जा रही थी और इसीलिए मुझे पद से हटाया गया है। इसकी एक पूरी जांच हो, तय किया जाए कि उनके आरोपों में कितना दम है आलोक वर्मा के, इसके लिए जांच होनी चाहिए और ये जांच सीवीसी 14 दिन में पूरी करे, बंद लिफाफे में दे अपनी रिपोर्ट और निगरानी होगी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके पटनायक की, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच जो इस पर सियासत जारी है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, सियासी संग्राम जारी है। कोर्ट ने अपनी बात कह दी है, निष्पक्ष जांच हो लेकिन सख्त हिदायत एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर नागेश्वर राव को, नीतिगत फैसला नहीं, कोई भी नीतिगत फैसला नहीं, पक्षपातपूर्ण रवैये का जरा भी गुंजाइश जहां पर हो ऐसे फैसले आप नहीं ले सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ रूटीन काम करें। ये देखिए सियासी संग्राम, पवन खेड़ा जी, अब फटाफट इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं। पवन खेड़ा जी, साफ कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि जांच पूरी होगी 14 दिन में, सीवीसी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करेंगे। अंजना जी, दो प्रश्न चिन्ह लगे थे, एक तो आलोक वर्मा जी को जिस तरह से हटाया गया, दूसरा नागेश्वर राव के नियुक्ति पर। दोनों प्रश्न चिन्हों पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर दिया है, मैं कहूंगा इसको एक नहीं, ये दो दो तमाचे लगे हैं सरकार पर। एक तमाचा नहीं और इसकी गूंज चुनाव में भी दिखेगी, इसकी गूंज इतिहास में साक्षी बनेगी कि एक ऐसी सरकार आई थी सिर्फ 5 साल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वागत करता हूँ, बात कर रहे हैं लगातार, आप ही के पार्टी के नेता बीच बीच में दिख रहे हैं पवन जी, से आपकी आवाज दब जा रही है। राज बब्बर ने लखनऊ में मोर्चा संभाला है सीबीआई में सरकारी हस्तक्षेप को लेकर, ये देखिए रिपोर्ट करेंगे और सीबीआई वाले मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। लखनऊ में कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ नीलांशु शुक्ला, आज तक। आलोक वर्मा ने राफेल पर कार्रवाई शुरू की थी इसलिए हटाया गया, ऐसे प्लैकार्ड्स उनके हाथों में है। कांग्रेस पार्टी के नेता लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। अमिताभ जी, वो कह रहे हैं कि दोनों ही बिंदुओं पर सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। अमिताभ जी, ईमानदार है, मेहनत करना चाहते हैं, पर ऊपर के लेवल पर राजनीतिक मैनिपुलेशन होता है, अपॉइंटमेंट्स भी गलत हुए हैं, डायरेक्टर्स के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसलिए एक अपने ही जजमेंट के खिलाफ एक व्यापक जनहित याचिका लेकर मैं अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में आऊँगा, जबकि मैं रिक्वेस्ट करूँगा संवैधानिक बेंच का गठन हो और विनीत नारायण जजमेंट को दोबारा से परखा जाए पिछले 21 साल के अनुभव के आधार पर। इंग्लिश में करना है? हाँ जी, इंग्लिश। अरे भैया, कौन ने पकड़ ले जाके? विनीत क्या कर रहे? हेलो, टच नहीं करेंगे। उठ भी किया गया है फाली नारेमन की तरफ से, सीवीसी 2 हफ्ते में जांच पूरी करे और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके पटनायक की निगरानी में जांच होगी, बंद लिफाफे में फिर ये फैसला दिया जाए। नागेश्वर राव एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकते, ये सख्त हिदायत है, सिर्फ रूटीन का वो कामकाज देखेंगे। ये फैसला मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह की गुटबाजी और इधर उधर अफसरों का हम देख रहे थे, एक कोहराम सीबीआई के अंदर, उस पर पूर्ण विराम लगाना मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण था ऐसे वक्त पर सीबीआई के अंदर हो रहे डैमेज कंट्रोल के लिए। और ये फैसला जो कोर्ट ने आज कहा है, अपनी तरफ से जो टिप्पणी की है या हिदायत दी है, वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। अमिताभ जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? इसलिए मैं नहीं आता हूं। अमिताभ जी, मैं, मुझे थोड़ा सा तो वक्त दीजिए। देखिए, अभी अभी जो स्थितियां हैं उसमें कांग्रेस ने जो ये धरना प्रदर्शन शुरू किया, मैं कह रहा हूं वही बात, आप थोड़ा मुझे धैर्य से सुनिए, एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि जब ये स्थितियां बनी, कांग्रेस ने इसका राजनीतिकरण किया, तमाचा उनके गाल पे लगा है, पवन खेड़ा को अपनी तमाचे की गूंज जब सुनाई दी तो उसको वो बहुत ही बेशर्मी से दूसरों पे लागू कर रहे हैं। एक चीज बताइए कि जब कार्तिक चिदम्बरम और जो मिस्टर चिदम्बरम के ऊपर में जो जांच है, जो लालू यादव के घोटाले के ऊपर में जांच है, उसके ऊपर में इनको कुछ नहीं कहना और ये राफेल की मनगढ़ंत कहानी ये लेके आ गए हैं, इसके ऊपर में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि तुम जो ये सब बकवास कर रहे हो बंद करो। और 2 हफ्ते के अंदर में वो, इनका ये भी मानना था, मैं आपको बताऊं अंजना जी, कांग्रेस कह रही थी कि सीवीसी को जांच का अधिकार नहीं है क्योंकि सीवीसी इसकी पार्टी बनी हुई है, सीवीसी ने इनको छुट्टी पे भेजा है।
ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको तमाचा मारा और सीवीसी को ही कहा कि आप जांच करो। हाँ, चूंकि निष्पक्षता बहुत बड़ी सिद्ध करनी थी सर्वोच्च न्यायालय को अपनी भी और साथ में सीबीआई की भी, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में ये जांच हुई है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि लगातार संवैधानिक संस्थाओं का जो पूरे तरीके से कांग्रेस ने ध्वस्त करने की षड्यंत्र के तहत, चाहे वो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर में आक्रमण हो या निर्वाचन आयोग पे आक्रमण हो, सीबीआई पे आक्रमण हो, सीएजी पर आक्रमण हो, ये हर जगह ये चाहते हैं कि अनार्की अराजकता फैले और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब के सब ध्वस्त हो जाए देश के नजरों में। ये इनके जो षड्यंत्र को सुप्रीम कोर्ट ने आज मना कर दिया और सीवीसी को जो जांच की अनुमति दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि सीवीसी की निष्पक्षता जो है वो पूरी तरीके से, 12 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी, बड़ी खबर। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि देश की जनता, नहीं 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 अंजना जी सुनिए पहले ये बात देखिए, हम बिल्कुल कामयाब नहीं, देश की जनता भी पूरी तरीके से समझ रही है। ये अभी तक अल्पमत में आए हैं, अब पूरी तरीके से विलुप्त पार्टी बनेगी, एक्सटिंक्ट होगी, क्योंकि इसको देश की जनता माफ नहीं करने वाली है। दे विल नॉट फॉरगिव द फॉल्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड द एंटायर अपोजिशन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो अभी तक की जो स्थितियां हैं, उस स्थिति में ये दो अफसरों के बीच की लड़ाई है, ये दो अफसरों के आपस की लड़ाई में सीबीआई के साख पे बट्टा लगने की स्थिति थी, जिसके लिए सीवीसी के निर्देशों पे या उसके एडवाइस पे केंद्र सरकार ने उनको छुट्टी पे भेजा है। छुट्टी पे भेजा जाना किसी दंडात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ये एक बहुत ही कार्यपालक ऑर्डर है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, और इस पे राजनीतिकरण किया कांग्रेस ने, इसके ऊपर में तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है नहीं 15 दिन के अंदर में फैसला दीजिए। और जहां तक नागेश्वर राव के रूटीन मैटर की बात है, वो उनके ऊपर में रूटीन मैटर का इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी उनको दिया गया है, रूटीन मैटर में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है जो होनी है हो गई, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग जरूरी इसलिए भी थी क्योंकि वो निष्पक्षता सबों की जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। आलोक वर्मा उनकी टीम अलग और जो अस्थाना जीत है उनकी टीम अलग, तो इसके वजह से जो रागेश्वर राव ने जो किए फैसले ट्रांसफर के, वो सब उसी निष्पक्षता को ध्यान में रख के किए गए हैं। हमेशा से कार्यपालक व्यक्ति जो होता है वो रूटीन मैटर नहीं देखता, पॉलिसी मैटर नहीं देखता। इतनी केंद्र सरकार एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर कोई भी नीतिगत फैसला नहीं है, ट्रांस सिर्फ रूटीन का कामकाज देखेंगे, नहीं बिल्कुल, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव नहीं इफेक्टिव है। जितने ट्रांसफर पोस्टिंग है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो सारे के सारे निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए किए गए हैं, और इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये ध्यान दीजिए। मैं भी एक लॉयर के नाते आपको बता रहा हूँ। पवन खेड़ा जी, आलोक वर्मा ठीक है रिट्रोस्पेक्ट में नहीं है वो कह रहे हैं, पवन खेड़ा जी एक सेकंड सर, ये लॉयर को मैं जरा समझा दूं, आलोक वर्मा जो तत्कालीन राहत चाह रहे थे उसको तो एड्रेस नहीं किया है, मतलब वो राहत तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। आलोक वर्मा जो तत्कालीन ये बिल्कुल नहीं किया, तमाचा है कांग्रेस के मुंह पे। और राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं अब मार्च में, कांग्रेस में बताइए राहुल गांधी अब मार्च में क्यों नहीं जा रहे हैं, इतना बड़ा तमाचा लगा है उनको। थोड़ा पानी पी लीजिए अमिताभ सिन्हा जी, पानी पी लीजिए पानी तो आपको पिला दिया, पानी तो देश ने आपको पिला दिया, कॉलेज के बच्चे बाहर निकला है, शांत हो जाइए, आपके खिलाफ नारे लगा रहे थे पार्टी बनने के लिए तैयार रहिए, दयाल सिंह कॉलेज के बच्चे अपने चेयरमैन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, ऐसा तो तमाचा आपके मुंह पे भी लग गया आज, दयाल सिंह कॉलेज के बच्चे निकल आए आपके खिलाफ नारे लगा रहे थे, कमाल हो गया आज तो। दयाल सिंह कॉलेज तो आप जानते हैं क्या मुद्दे आपने किए, छोड़िए मैं वहां का चेयरमैन हूँ अंजना जी, अरे बोल दिया आपने, बहुत बोल दिया बीच में, हम भी आपके बीच में वहां तो आपके गुर्गे बैठे हुए हैं, बोलते रहे आप चुपचाप बैठ जाइए, अरे मत बोलिए आप अनर्गल प्रयास कर रहे हैं, आप दयाल सिंह कॉलेज का मुद्दा क्यों लेके आए बीच में, कोर्ट ने अंजना जी ये आदमी उनकी भी जांच सुप्रीम कोर्ट ने लोगों लोक में मंगवाई, ये नहीं नहीं बदतमीजी मत करिए, शांत बैठ जाइए, शांत बैठिए पवन खेड़ा शांत बैठिए, रूप से दिवालिया हो गए हो, देख लिया चेयरमैन सिंह कॉलेज चेयरमैन के खिलाफ नारे लग रहे हैं बीच में, शांत बैठ जाइए, जो ये स्थिति आई इसका मतलब ये है कि आपके पास मुद्दा नहीं है, तमाचा इतनी जोर से लगा है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, चल रहे हैं सीबीआई संभाल, दिमाग खराब हो गया है आपका, जो तमाचा लगा है ना आप एक कॉलेज नहीं संभाल पा रहा और पूरे सीबीआई पे भाषण देने चले आए हैं, मैं पवन खेड़ा आपके रिकॉर्ड्स निकालो कि आपने कहां कहां भ्रष्टाचार किया है, अरे एक सेकंड सर प्लीज, क्या सीबीआई की बात हो रही है, पर्सनल एक्यूजेशन में वक्त मत जाया कीजिए, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी के लिए थोड़ी सी चिंता रखिए, मत पवन खेड़ा जी आलोक वर्मा को बताइए नहीं मिली है, हाउ बैंकरप्ट किया है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, आज को शर्म आनी चाहिए आपको पवन खेड़ा जी, मुद्दे पर शर्म आनी चाहिए, आलोक वर्मा
देखिए आलोक जी को जो राहत मिली, अगर अगर ये पूरी बात सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर लेता तो यह मानता कि आलोक वर्मा जी को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कैसे डिसमिस करेगा? अरे थोड़ा सा एबीसीडी सीख लो, लॉ का, कानून का, न्यायालय का एबीसीडी सीख लो पवन खेड़ा। आप पूरी तरीके से एक कानूनी रूप से अनपढ़ व्यक्ति है, आपको कानून का कोई ज्ञान नहीं है, आप लीगल इश्यू से डिबेट करने चले आते हैं। अरे थोड़ा सा तो सीख लीजिए, क्या ये बीच में बोलते हैं? क्या है सर भाषा की गरिमा? बीच बीच में बोलने की बीमारी इनको क्यों लग? थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, रिजेक्ट कैसे हो जाएगा? ये रिजेक्ट कैसे हो जाएगा? भाजपा इनको ले जाती है। अंजना जी बताइए, ये कितना अनर्गल खिलाफ कर रहे हैं? यदि कोई पिटीशन फाइल होता है रिगार्डिंग कोर्ट, चले कोर्ट रिजेक्ट करती है, बैठ जाइए। पवन जी ज्यादा ज्ञान नहीं है आपको, मुझे नथिंग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी जरूर कर दी, लेकिन सीवीसी को 15 दिन में जांच पूरी करने को कह दिया, यानी आलोक वर्मा को राहत नहीं मिली। और इनका कहना था कि सीवीसी निष्पक्ष नहीं है। नहीं अंजना जी, अगर प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट, अरे इसको बोलो ना बीच में, ना बोलो भाई, इनको बोलो ना प्लीज, ये तो पढ़े लिखे आदमी क्यों बीच बीच में इतना उछल कूद करते हैं भाई? अरे तुम पहले बोलना सीखो। अगर ये राहत नहीं है तो क्या है कि हमारे प्रश्न चिन्ह जो हमने लगाए थे उछल कूद कौन कर रहा है? उछल कूद आप कर रहे हैं। वकील होते तो आज कोर्ट में बैठे होते, यहाँ नहीं बैठे होते। शांत हो जाओ प्लीज, ना दयाल सिंह कॉलेज संभल पाता है ना वकील बन पाए, रहन दो, शांत हो जाओ प्लीज। मैं अपने लॉ चैंबर में हूँ महाशय, मैं अपने लॉ चैंबर में हूँ और मैं आपके जैसे लोगों को सिखाने के लिए बैठा हूँ यहाँ, कि आप लोगों को फ्री रन ना मिले। आप लोग जनता को जो बरगलाते की कोशिश करते हैं, मैं उसको रोकने के लिए बैठा हूँ। मान लेता हूँ आपकी, आप बड़े आदमी है, अरे आप बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, अरे बहुत बड़े आदमी अपनी कुंठा को क्यों लागू करते हो? व्यक्तिगत मत बनो पवन खेड़ा, व्यक्तिगत मत बनो। डोंट बिकम पर्सनल, डोंट बिकम पर्सनल, जोड़कर निवेदन, डोंट बिकम पर्सनल, इतना मत करो। आपको पूरा देश देख रहा है, आप बड़े आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी, शांत हो जाओ भाई प्लीज। आप सीबीसी को निष्पक्ष जांच के लिए 15 दिन से सुन लीजिए। आप निजी टिप्पणियां बहुत कर चुके हैं, मैं भी करूंगा, वो छोड़ दीजिए। तो राहत तो ये मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों, मैं कहां कर रहा हूं आप कर रहे हैं, मैंने तो अभी तक कोई निजी टिप्पणी नहीं की। सबसे पहले आपने मुझे दयाल सिंह कॉलेज के चेयरमैन के नाते एड्रेस किया, ये निजी टिप्पणी है। अरे थोड़ा सा सीख लीजिए शिष्टाचार पवन खेड़ा, थोड़ा सा शिष्टाचार सीखिए। आपने सबसे पहले मेरे ऊपर में व्यक्तिगत टिप्पणी की, दयाल सिंह कॉलेज के चेयरमैन के नाते आपने मुझे एड्रेस किया। दयाल सिंह कॉलेज के बच्चे भी आज आ गए तो मैं क्या करूं? आए हैं वो निष्पक्ष जांच करे, 14 दिन का टाइम। पटनायक जस्टिस पटनायक ने जितनी ट्रांसफर पोस्टिंग्स की है वो तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स की लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा ली। ये इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है? मैं तो उम्मीद करता था कि हमारे मित्र अमिताभ सिन्हा जी जाते कोर्ट में तो शायद ज्यादा राहत मिल जाती, क्योंकि ये अच्छे वकील माने जाते हैं। फैक्ट्स मांगना तमाचा नहीं हो सकता, ऐसा रमाकांत गौर कह रहे हैं, जो कि खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर है सुप्रीम। पूजा कोई खबर है क्या? आपने हाथ उठाया था पूजा, एक सेकंड पूजा। जी जी अंजना, ये क्लैरिफाई कर दें, जैसे आपके यहाँ ये बातचीत भी हो रही है कि जो आगे, तो अब इनके पास नागेश्वर राव जो इंटरिम डायरेक्टर हैं उनके पास आगे पॉलिसी डिसीजन ही ले, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते। तो लेकिन अक्टूबर 23 से भी उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं उसकी सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट मांगी है, सील्ड एनवलप में वो सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को दिए जाएंगे। तो ऐसा भी अब देखा जाएगा कि क्या जो डिसीजन अभी तक उन्होंने लिए थे वो भी स्टैंड करते हैं या नहीं। तो अगर ये मान के चल रहे हैं कि अभी अगले कुछ दिनों तक वो कोई मेन डिसीजन नहीं ले सकते, सिर्फ वही डिसीजन लेंगे जो सीबीआई फंक्शनल रख सके, लेकिन कोर्ट ने एक डिसीजन लिस्ट भी मांगी है कि अभी तक नए आए इंटरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव ने क्या क्या फैसले लिए हैं वो सारे मेंशन करके कोर्ट में सबमिट करे जाए और नवंबर 12 को अगली हियरिंग अनाउंस कर दी गई है। अंजना बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। 23 अक्टूबर के बाद एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में क्या फैसले नागेश्वर राव ने लिए हैं सीबीआई में, उनकी लिस्ट मांगी है बंद लिफाफे में सर्वोच्च अदालत ने। रमाकांत गौर, ये झटका है उनके लिए या फैक्ट फाइंडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी पक्षपातपूर्ण या गलत फैसला नहीं है?
देखिए सीबीआई डायरेक्टर की याचिका बहुत छोटी सी याचिका है जिसमें कुछ पेज में सारी बात नहीं कही जा सकती थी। सीबीआई डायरेक्टर ने कुछ फंक्शनिंग पर सरकार की, सीवीसी की और प्रेजेंट सिचुएशन पर आरोप लगाए थे, ठीक है, उस पर उन्होंने कोई तथ्य नहीं बताए। जब उनकी पिटीशन में कोई तथ्य नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे हमारे सामने सारे तथ्य रखिए, और उन तथ्यों के तहत कोर्ट ने सिर्फ डायरेक्टर आलोक वर्मा को ये रिलीफ नहीं दिया रिलीफ। आप वहां बने रहेंगे, पर साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको पूरी जांच को अपनी निगरानी में करेंगे, एक जज इसको देखेंगे और सील्ड एनवेलप में हमें रिपोर्ट देंगे। सीबीआई में अभी तक जो एक्टिंग डायरेक्टर ने कहा है वो फैसले भी हम देखेंगे और उसके बाद हम फैसला देंगे। एक सेकंड में पूछो, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच होगी, हमारी निगरानी में जांच होगी, 14 दिन के अंदर करना है। नागेश्वर राव कोई गलत फैसला एज एक्टिंग डायरेक्टर नहीं ले सकते हैं। लेकिन जल्दी से पूजा, ब्रेक पर जाने से पहले, क्या मुकुल रोहतगी जो मामला रख रहे थे राकेश अस्थाना की तरफ से कुछ देर पहले, उन्होंने ये भी कहा था कि आलोक वर्मा को हटाया जाए, विक्टिमाइज कर रहे थे, उस पर कुछ हुआ? उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं अंजना जी यहां मैं बता दूं, एक नोटिस जरूर गया है कि आलोक वर्मा की तरफ से जो कंप्लेंट आ रही थी। हाँ जी अंजना, संजय हमारे साथ हैं। अंजना का सवाल है कि जो मुकुल रोहतगी की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट रखा जा रहा था, उस पर भी थोड़ा बताएं, क्योंकि आलोक वर्मा का जो कहना था कि उन पे विक्टिमाइजेशन का जो केस है। बिल्कुल, मुकुल रोहतगी की तरफ से ये कहा गया था कि ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जिस जांच में वो लगे थे उस जांच में जो कागज इकट्ठा किए जा रहे थे विक्टिमाइजेशन का केस है, लिहाजा इसको जल्दी निपटाया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसमें सीवीसी वो जांच करेगी, सीवीसी की टीम उसको सुपरविजन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ए.के. पटनायक, और दो हफ्ते में रिपोर्ट दी जाएगी। हमने पहले से ही अंदाज लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कमेटी बना सकता है और ये कह सकता है कि इसकी जांच इतने टाइम फ्रेम में की जाए, दो हफ्ते का टाइम दिया है, ये कहा जा रहा था दिवाली से पहले कर लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें 12 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। और ये हमें पहले से कोर्ट की जो कार्य प्रणाली है उसे देखते हुए यही लग रहा था, जब एक छोटा सा भी आरोप लगाया जाता है कोर्ट उसमें दूसरी पार्टी को सफाई का मौका देता है, उसको रिप्लाई करने को कहता है कि आप इसका जवाब दीजिए, लिहाजा ऐसे में। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।